40 लोगों ने जिन्होंने मिलकर परमेश्वर के वचन को लिखा है, जब उसको पढ़ते तो ऐसा लगता है एक ने लिखा, परंतु आज जब लोगों से परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो इतना विवाद होता है, जो परमेश्वर की भिड़े हैं वो भटक गए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात करेंगे आज कि प्रभु के सेवकों द्वारा बाइबल पर विवाद क्यों। जी हाँ, ये विषय बड़ा गंभीर विषय है और इसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। आज हम लोग देखते हैं कि जो बाइबल है, बाइबल के ऊपर हम लोग बहुत विवाद करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है एक विषय को लेकर। मैं सभी विषयों का वर्णन नहीं, एक विषय का उदाहरण दूंगा मैं आगे जैसे हम प्रभु के इस वचन में बढ़ेंगे तब हम देखेंगे। आपको पता होगा जब आप बाइबल के बारे में बात करेंगे कि उसके कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, कितनों ने लिखी, तो कब लिखी गई कैसे लिखी गई ये एक अलग बात है, परंतु परमेश्वर का जो इतिहास है वो इस बात का वर्णन करता है कि लगभग 40 लोगों ने मिलकर बाइबल को लिखा है। अब जब बाइबल को पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आता है कि बाइबल को 40 लोगों ने मिलकर लिखा है। अब ये 40 लोग अलग अलग देश के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग समय के लोग थे। अब उन्होंने जो है इतने लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है, मगर जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है किसी एक व्यक्ति ने लिखा है। कोई विवाद नजर नहीं आता है इन 40 लोगों में, कोई मतभेद नजर नहीं आता है, कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नजर नहीं आती है कि इन 40 लोगों ने दूसरे लोगों को के ऊपर जिन्होंने बाइबल को लिखा है उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी की है या उनके किसी भी चीज को गलत साबित किया है। ये 40 लोग और इन 40 लोगों ने मिलकर लिखी है, कैसे लिखी गई है इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। दूसरा तिमिथियों 3:16-17 है, 16 पद पढ़ रहा हूं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और वह हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अब यहां लिखा है, देखिए सबसे बड़ी चीजें, दो चीजें यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। पहली चीज कि जो 40 लोगों ने जिन्होंने मिलकर लिखी है बाइबल को, उन्होंने परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी है। दूसरी चीज जो यहां पर आती है कि परमेश्वर ने अपना वचन क्यों लिखवाया, क्यों दिया, क्यों उन 40 लोगों को परमेश्वर ने समय समय के अनुसार जो है वर्णन किया, अपना वचन बताया और वो लिखते जो है चले गए और परमेश्वर ने उनको अपनी प्रेरणा, अपनी सामर्थ्य और शक्ति दी ताकि वो उस वचन को जो परमेश्वर बोल रहा है उसको लिखें, जो परमेश्वर समझा रहा उसको लिखें। क्यों समझाया यहां पर देखिए लिखा है कि और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो हमारे लिए। और 17वां पद क्या कहता है, ताकि परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर के जन है वो सिद्ध बने, सिद्ध बनने का मतलब परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, यानी हर एक भले काम के लिए हमेशा तैयार है। वचन इसलिए लिखा गया और इसलिए परमेश्वर ने वचन हमको दिया है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम वचन को लेकर वाद और विवाद कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वचन हम सबसे ज्यादा जानते हैं, हमारे पास वचन का सबसे ज्यादा ज्ञान है, हमने थियोलॉजी कर रखी है या हमने पीएचडी कर रखी है परमेश्वर के वचन में। देखिए, आपने पीएचडी करी हो या आपने थियोलॉजी करी हो, यदि आपने परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के प्रेरणा से नहीं कोई काम करा है, परमेश्वर की सामर्थ्य से कोई काम नहीं करा है, तो वो सब कुछ गलत है। चलिए पहले देख लेते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा है क्या, है इसको भी समझ लेते हैं। प्रेरितों के काम 11:28 ये पद मैंने कुछ जो एक दो पद इसलिए लिए हैं ताकि आप परमेश्वर की प्रेरणा को समझ सके कि परमेश्वर की प्रेरणा है क्या। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता, उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वे अकाल क्लोदियुस के समय में पड़ा। अब देखिए यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आत्मा की प्रेरणा से। अब यहां जो व्यक्ति है, यहां पर
अगबुस नाम का एक व्यक्ति का वर्णन है जिसने अकाल के विषय में जो है भविष्यवाणी करी, और किसकी प्रेरणा से पाकर? परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से पाकर। देखिए, परमेश्वर से प्रेरणा पाने का मतलब है कि परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है उन चीजों को सोचने और समझने और लिखने की। जब तक परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा हमारे पास नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि ये जो भविष्यवक्ता थे, ये भी परमेश्वर की प्रेरणा से जो थे, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से जो थे, उन चीजों का वर्णन करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ दूसरा पद भी पढ़ सकते हैं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 21 पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखिए, मनुष्य की इच्छा से जो है वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी कर रहा है, वो कुछ भी भविष्यवाणी कर रहा नहीं, बल्कि क्या है, परमेश्वर का आत्मा उन पर उंडेला जाता था और परमेश्वर का आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ और शक्ति देता था, उभारता था, तो वो भविष्यवाणी करते थे। यहां पर जैसे कि दूसरा तीमिथियों 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर की प्रेरणा अर्थात पवित्र जो पवित्र शास्त्र लिखा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से जो पवित्र शास्त्र लिखा गया है, कहने का मतलब है कि परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उन 40 लोगों ने जो है वो लिखा है, यानी आत्मा के द्वारा, आत्मा एक ही है, और जब वो एक आत्मा है, उसने परमेश्वर के वचन को जो है वो 40 लोगों से लिखवाया है, और इसलिए ऐसा लगता है कि 40 लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग सोच विचारों के व्यक्तियों ने लिखा, परंतु ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति ने लिखा, क्योंकि लिखाने वाला सही में एक ही व्यक्ति था और उसका नाम जो है वो पवित्र आत्मा है। मैं आपको एक बहुत से विषय हैं जिनके विषय में आज जो हम प्रभु के सेवक लोग हैं बहुत विवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते तो हैं हम आत्मा में हैं, प्रभु का आत्मा है, बोलने वाले हम नहीं, प्रभु का आत्मा है। अगर प्रभु का आत्मा बोल रहा है तो हम क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, हम विवादित क्यों हैं? मैं बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके विषय पर हम लोग विवाद करते हैं, और बहुत ज्यादा विवाद जो है वो बढ़ जाता है, और वचन के अनुसार अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं। मैं बहुत से विषयों पर नहीं, एक विषय आपके सामने रखना चाहूंगा कि कैसे हम लोग जो है वे विवाद में फंस जाते हैं, वो विषय है बपतिस्मा। अब बपतिस्मा जो है वो सबको लेना जो है वो जरूरी है। अब यहां पर क्या है, पहले मैं आपको बता दूं बपतिस्मा किस किस तरीके से जो है आज हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है, और बपतिस्मा किस तरीके से लिया जाता है। पानी में डुबकी का बपतिस्मा, छींटे का बपतिस्मा, झंडे के नीचे से निकलकर बपतिस्मा लेना, बच्चे का बपतिस्मा, बच्चे का होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पे विवाद है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, ऐसे कई प्रकार के बपतिस्मे हैं, कई प्रकार के। और ये बपतिस्मे जो है कहाँ से निकाले गए हैं, बाइबल से ही निकाल कर जो है लोग प्रचार करते हैं। कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, मैं नहीं जानता इस बात, परंतु एक विषय है और इस पर जो है बहुत विवाद, ऐसे बाइबल के कई ऐसे विषय हैं जिन पे विवाद उठाकर खड़े कर देते हैं। हम सोचते समझते नहीं, यहां जो चीज गलत है, देखिए बाइबल के अंदर जो लिखा है और जिस तरीके से लिखा है, हमें उन बातों को मानना है। हम अपनी तरफ से जो विचार बना लेते हैं, जब हम अपनी तरफ से विचार बना लेते हैं, अपनी तरफ से विषय बना लेते हैं, तो विवाद होता है। जैसे हम परमेश्वर के जब वर्शिप की बात करते हैं, किसी भी चर्च में चले जाइए, हर एक चर्च का अपना अपना वर्शिप का अलग अलग तरीका है। बाइबल का कोई तरीका ही नहीं है, एक भी चर्च के अंदर, कोई भी चर्च है, किसी भी चर्च के अंदर बाइबल के अंदर जो वर्शिप का तरीका है वो दिखाई नहीं देता। हम लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए इफिसियों 4 अध्याय उसके 5 पद में क्या लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। अब यहां लिखा, देखिए प्रभु भी एक है, हमारा विश्वास भी एक है, क्योंकि हमारा विश्वास किस पे, जब प्रभु एक है उसी एक प्रभु पे हमारा विश्वास है, तो हमारा विश्वास एक हुआ, ठीक है। और बपतिस्मा भी एक है, एक के अलावा कोई दूसरा बपतिस्मा नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है।
और परमेश्वर का वचन भी एक है। अब उस एक वचन पर जो है 40 लोगों में विवाद नहीं हुआ, और ऐसा लगता है उन 40 लोगों ने जिन्होंने मिलकर परमेश्वर के वचन को लिखा है, जब उसको पढ़ते तो ऐसा लगता है एक ने लिखा। परंतु आज जब लोगों से परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो इतना विवाद होता है, जो परमेश्वर की भीड़े हैं वो भटक गई है, उनको समझ में नहीं आता है कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसकी सुने किसकी नहीं सुने। वो कहता है अरे छोड़ो, खत्म करो, चर्च ही नहीं जाते हैं, सुनते ही नहीं है। बहुत से लोग तो इस तरीके से अपने घरों में बैठे हैं, वो जाते ही नहीं है। या बहुत से लोग जो हैं इसलिए चर्च चले जाते हैं क्योंकि शादी ब्याह मरना जीना जो है वो चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वह चर्च चले जाते हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना। और ये बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि इतना विवाद बढ़ चुका है बाइबल के अंदर, लोग कंफ्यूजन होने लगे हैं कि किसकी सुने और किसकी नहीं सुने, किसकी माने किसकी नहीं माने, कहां तक मतलब अपने आप को जो है परमेश्वर में कैसे लेकर आए। और बहुत सी आत्माएं जो हैं आज भूखी प्यासी परमेश्वर के वचन को लेकर भटक रही है, उनको कंफ्यूजन में है। इतना विवाद अब हमारे पास है क्या, इसका मतलब क्या है कि क्यों इतना विवाद है, क्यों हम इन परमेश्वर की भोली भाली भेड़ों को भटका रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं। आप खुद सोचिए कि जब परमेश्वर का वचन एफेसियों 4:5 में ये कह रहा है कि एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा, जब सब कुछ हमारे पास एक ही है, सब कुछ यानी प्रभु भी एक है हमारे पास, परमेश्वर का वचन भी एक है और जो बपतिस्मा है वो भी एक है और हमारा एक ही विश्वास है, फिर हमारे विचार अलग अलग क्यों हैं, फिर हम अलग अलग बिखरे क्यों पड़े हुए हैं कि साहब वो पेंतेकोस्टल है, वो सेवन डे एडवेंटिस्ट है, वो मेथोडिस्ट है और वो CNI है और वो हमारी मिशन का है, वो उसमें नहीं जाएगा, वो ओनली जीसस वाला, वो ये सारे विचार क्यों क्यों हम बिखरे पड़े हैं जब सब कुछ हमारे पास एक ही है। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि हम लोगों की नजरों में अपने आप को परमेश्वर के वचन का सबसे बड़ा ज्ञानवान समझते हैं और सबसे ज्यादा अपने आप को धार्मिक समझते हैं। जब अपने आप को सबसे ज्यादा धार्मिक सबसे ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं तो हमारी विचारधारा जो है वो अलग हो जाती है। जब हम अपनी समझ का सहारा लेकर प्रभु के कामों को करने लगते हैं, प्रभु के वचन का वर्णन करने लगते हैं अपनी समझ के अनुसार, तो फिर क्या होता है, सब विवाद तो होना ही है और विवाद जो है वो खड़ा कर देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उन 40 लोगों के बीच में जो वचन था उस वचन को लेकर विवाद जो है शैतान नहीं खड़ा कर पाया, परंतु हम लोगों के बीच में शैतान ने परमेश्वर के वचन को लेकर इतना विवादित बना दिया है और इतना विवाद हो जाता है कि बेचारी जो परमेश्वर की भोली वाली भेड़े, मैं फिर से कहूँगा, वो भटक गई हैं और वो बहुत दूर निकल गई हैं। उनका लौट कर आना, उनका परमेश्वर के पास आना जो है बड़ा मुश्किल हो गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब एक ही हैं, हमारा विश्वास एक है, हमारा प्रभु भी एक है, तो हम और आप एक क्यों नहीं हो जाते। चलिए आज हम सब एक हो जाते हैं, सारी विचारधारा को समाप्त करके और शैतान को हराते हैं कि जो विवाद है उस विवाद को खत्म करके। हाँ, बाइबल की जो बात सही है उसको सिर्फ उसको पकड़े रहे, यह नहीं है कि किसी ने भी कुछ कह दिया कि हम उसको मान ले एक होने के लिए, नहीं, जो गलत है और वो देखें कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान जो है, शैतान के जो सेवक हैं वो भी प्रभु के सेवकों का रूप धारण करके आ गए, तो हमें पहचानना है कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। मगर हम किसी को उंगली उठाने से पहले उसको परखें, परमेश्वर का वचन कहता है परखें, जाने और सीखें कि वो सही है या नहीं। पहले हम ये सीखें कि हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं हम सही है या नहीं है, हम गलत हैं या नहीं। या मान लीजिए हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि साहब ये गलत है, तो वो गलत होने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं कि वो गलत है या नहीं है। पहले हमें अपने आप को जांचना परखना है और जो सच्चाई है वो परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि योहन्ना 8:32 में कहता है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आइए स्वतंत्र होते हैं शैतान के उन सारे विवादों से जो शैतान ने हमारे और आपके बीच में डाल रखा है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।